स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोटोलैंड एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल सेशन ऑन मॉड्यूलस फंक्शन। दोस्तों मॉड्यूलस फंक्शन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से पार्ट, आपको एग्जाम में बहुत सारी जगह पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सो I'm sure all of you are aware about it, but I'll start with the basics of it. We will talk about modulus equations and we will solve various methods, okay, of arriving at solutions, okay. That is what we will try and carry out. बराबर है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मॉड्यूलस, व्हाट डू वी जनरली राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से आई हैव माइनस वन का स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ वी नो दैट अंडर रूट इज नथिंग बट 1/2, ये हमने सीखा था। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल पावर के रूल्स के मुताबिक ये हो गया 1/2 एंड देयरफॉर वी से दिस इज -1। सम ऑफ यू मे से कि सर एक मिनट, -1 का स्क्वायर इज 1, सो रूट ऑफ 1 हो गया ये, सो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1, यस और नो? सो दैट मींस यू आर प्रूविंग -1 इज इक्वल टू 1, व्हिच इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें गलती क्या हो गई? गलती तो कुछ और है ना, मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखा उसमें कुछ हमारा लेकिन से जो प्रिमाइसिस है, जो हमारे रीजंस है, हमने जो चीज को सही मान के चला उसमें से कुछ चीजें गलत होगी, तभी तो ये गलत हो रहा है। सही बात है, क्या गलत हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट यहां से गलती हो रही है, ठीक है। ये नोट किया जाए, व्हेनेवर अ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन द आंसर टू दैट इज नॉट एक्स। प्लीज इसको एक्स न लिखे, इट विल बी ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ एक्स, क्योंकि कैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इज द एजम्पशन वी आर मेकिंग एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, बिकॉज रियल नंबर के अंदर अगर हमें यह प्रूव करना है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो जाकर अपन ये काम कर पाएंगे, ठीक है ना। इज दैट वेरी क्लियर? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सो दिस मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। वॉट इज अ मैथमेटिकल मीनिंग टू दैट? आपने बचपन में देखा था मैथमेटिकल मीनिंग क्या था इसका, कि मॉड्यूलस में जो भी देके रखा है अंदर की चीज पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मॉड्यूलस ऑफ 3 इज 3, मॉड्यूलस ऑफ -5 इज 5, यस और नो? ये सब हमने देखा था। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखे? इफ आई से मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एक्स, ठीक है, विच मीन्स एनीथिंग विल बिकम पॉजिटिव इन इट, ठीक है, बट आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मैथमेटिक्स, ठीक है। हाउ डू आई डू इट? So this is modulus of x is equal to x if x is greater than or equal to 0. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रही, ठीक है, तो वो x का x ही लिख देंगे। बट इफ x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, सो वी विल पुट इट एज -x। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अगर ये -5 का वी कैन से मॉड्यूलस था, हाउ डू आई राइट 5 मैथमेटिकली? सो आई विल से इट इज -5, दैट इज x का x, और उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस बिकम्स +5, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो बढ़िया, सो रिमेंबर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। चलिए तो उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सो इन अदर वर्ड्स इट रिप्रेजेंट्स the distance from origin. So for example, let's say modulus of x is given to us, ठीक है, so let's say this is 0 and there is x here, ठीक है, x can be anywhere, okay, so x can be here as well, so let us say this is -x, ठीक है। so the point is कि भैया हमें चाहिए उसका distance from origin. remember always distance is always measured in positive sense, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस तरीके से उसको प्रेजेंट करा जाता है। बहुत बार आपके IIM के एग्जाम के अंदर ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट इस ज्योमेट्री के नजरिए से मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, हम देखेंगे इन आर जर्नी, वी विल सी इन व्हाट मैनर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट। इन अदर वर्ड्स ठीक है, इफ आई से मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, है ना, इन अदर वर्ड्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अगर कोई मुझसे पूछता है, ठीक है, सो लेट अस से दिस इज जीरो एंड दिस इज लेट्स से ए एंड दिस इज लेट्स से ए माइनस बी, सो दिस इज बी, सो इट इज मतलब वॉट एवर बी बड़ा हो या छोटा हो, इट डजंट मैटर, बट इट एक्चुअली टेल्स मी द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ बी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ऐसे भी हम कर सकते हैं, सही बात है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलिए वापस समझते हैं इस बातों को, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने। लेट्स से समवन इज टेलिंग यू कि ओके माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी, सो वी से माइनस ऑफ माइनस फोर बिकॉज माइनस फोर इज लेस देन जीरो, सो दिस इज फोर। ठीक है, इफ समवन विल टेल मी एक्स माइनस टू का मॉडुलस क्या होगा, नाउ इसके दो मतलब होंगे, ठीक है, इसके दो मतलब होंगे, अगर एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन इट इज x माइनस टू ओनली, बट x माइनस टू इज लेस देन जीरो, देन द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ x माइनस टू। ठीक है ना, समझ आया आपको, आई विल रिपीट वन मोर टाइम, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू की वैल्यू क्या होगी अगर x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब मॉडुलस में जो चीज देके रखी है वो अगर पॉजिटिव है तो x माइनस टू जैसा है वैसा ही वहां पर लिख दीजिए। ठीक है, सही बात है, चालू बढ़िया। अगर x माइनस टू लेस देन जीरो है, विच मीन्स x की वैल्यू टू से छोटी है, देन वी राइट माइनस ऑफ x माइनस टू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, क्लियर है सबको, तो ये हमेशा पॉजिटिव दे देगा मुझे। इज दैट वेरी ओके विथ एवरीवन? ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडिया क्लियर हो गया, चलिए ग्रेट, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ आपके सामने क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, मतलब क्या हुआ उसका, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है इफ एक्स इज पॉजिटिव, सो देयर आर टू केसेस, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का एक्स ही लिखेंगे, सो दैट मीन्स इट बिकम्स एक्स इक्वल्स टू फाइव। पर अगर एक्स नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर एक्स नेगेटिव हुआ, वी राइट माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव, सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ऐसे लिखेंगे, क्लियर है, चलो बढ़िया। इन द सेम लाइन आई विल राइट डाउन दिस, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, सो इफ एक्स इज पॉजिटिव देन दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, इफ एक्स इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, सो व्हाट डू आई राइट, इट इज नेगेटिव, सो इट इज माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सिंपल है ना, चलो बढ़िया। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नंबर थ्री, सेज मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, अभी आपने कुछ बोला था कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपने सिखाया था, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो आप नेगेटिव बोल रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने दिया हुआ है सवाल, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा दिया है, हमें इसके ऊपर से इंटरप्रेट करना है। मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, विच मीन्स वो कभी भी लेस देन जीरो, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो तो हो नहीं सकती, पर इक्वल टू भी बोला है, विच मीन्स इट कैन बी जीरो, सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्या मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, ना जी कभी नहीं हो सकती, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन आर देयर, दिस इज नॉट पॉसिबल और नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, ये सुनो, इन द रियल यू कैन से नंबर बेसिस के ऊपर, ओके, रियल नंबर पे
इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, हमेशा जो मेथड मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल मेथड, ठीक है। देखिए बड़ा मजेदार सा मेथड है, क्या मेथड है ये देखिए। व्हाट यू शुड डू इज व्हेनेवर समवन से मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से सम वैल्यू, ओके सम वैल्यू, लेट अस से इट इज ए, सो हाउ डू यू राइट डाउन दिस एज एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। इवन इन द केस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए दिया जाए तो भी ये ध्यान रखना दैट एक्स की वैल्यू विल ऑलवेज बी प्लस और माइनस ए, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस कर दिया है दोनों तरफ, नेगेटिव भी होगा तो भी वो पॉजिटिव ही कन्वर्ट करेगा, तो दोनों तरफ अगर नेगेटिव मतलब मॉडुलस कर दिया है तो आपको प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर वे ऑल्सो यू हैव टू टेक वन मोर परस्पेक्टिव, अगर एक्स स्क्वायर दे दिया है तो आप करोगे उसको मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा भी चलेगा, या एक्स स्क्वायर का मॉडुलस वो भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज रिजल्ट इन पॉजिटिव, तो यह चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो अब मेथड क्या करनी है, हमने बोला कि मॉडुलस का मतलब होता है प्लस और माइनस, तो आई एम गोइंग टू टेक टू सिचुएशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक टू सिचुएशन, ठीक है, या मैं सीधा एक लाइन में आपके लिए लिख दूं, ठीक है, तो भी आप उसको समझ पाएंगे। पहले मैं यह तरीके से आपको समझा देता हूं, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस थ्री, ठीक है ना, सो विच मीन्स देर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ, वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो x इज इक्वल टू फाइव एंड x इज इक्वल टू माइनस वन, सही है। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो या इन सम टाइम्स दिस मेथड विल बी यूजफुल, कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू थ्री बोला है, नाउ वी टेक टू केसेस, क्या दो केसेस होंगे, वन केस वेर एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सेकेंड केस इज एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। सो अगर एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट किया जाएगा। अगर एक्स माइनस टू नेगेटिव है तो इसको आगे माइनस टू लगे माइनस लगेगा और ये आपका हो जाएगा थ्री, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू हो गई थ्री प्लस टू फाइव, और ये माइनस मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा, सो आई गेट x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो x इज इक्वल टू माइनस वन। दोनों तरीके आपको समझ में आए दोस्तों, इज दैट वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों को, चलो बढ़िया। अब हमारे पास, ठीक है, मुझे लगता है कि जब इक्वालिटी दिया जाता है ना, ये तरीका बड़ा अच्छा सिंपल फास्ट है, ठीक है, चलो वो यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं आंसर कैसे बनता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना है, यहां पर x माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस और माइनस फाइव, मैं ऐसे कर सकता हूं, सही ना, चलो ग्रेट। अब यहां से मेरे दो केसेस बन गए वापस, ठीक है, चलो देखते हैं, x माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, x माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x माइनस टू इज इक्वल टू फाइव टू सा एक्स माइनस दिस, ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज नाइन एक्स, ठीक है, फाइव इधर जाएगा, सो दिस बिकम्स थ्री, सो दिस इज वन बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स, इजी, चलो ग्रेट। अगला देखते हैं, ये इधर लेके जाएंगे अपन, एक्स माइनस टू इज माइनस टेन एक्स प्लस फाइव, माइनस टेन इधर आएगा इलेवन हो जाएगा और ये सेवन, सो एक्स इज इक्वल टू सेवन बाई इलेवन, ठीक है, सो वी हैव टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर दिस, अगर प्लस करेंगे तो x इक्वल टू वन बाई थ्री, अगर माइनस फाइव करेंगे सो x इज इक्वल टू सेवन बाई इलेवन, क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार सा सवाल बना, सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फेक्शन किसको करना है ये पूरे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में दिया क्या है, पहले आपको दिया गया x माइनस वन उसका मॉड्यूलस है, फिर उसके साथ माइनस टू करके उसका मॉड्यूलस दिया, फिर वो पूरे मॉड्यूलस के साथ माइनस थ्री किया और मॉड्यूलस दिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले ये पहला वाला मॉड्यूलस है ना, ठीक है, ये पहला वाला मॉड्यूलस मैं हटाऊंगा, ठीक है, जब मैं उसको हटाऊंगा सो व्हाट आई एम राइटिंग इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन माइनस टू मॉड्यूलस माइनस थ्री,
जब मैं बाहर वाला मॉडुलस हटाया सो आई विल गेट प्लस और माइनस 5, ठीक है ना। चलो मैं इसको दो तरीके से लिख देता हूं, यहां पे प्लस 5 लिखता हूं और यहां पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, मैं ऐसे लिखता हूं उसको, सही है। चलो बढ़िया, अब मैं ये माइनस 3 को मैं इस केस में आगे बढ़ रहा हूं, इस केस में ठीक है, तो माइनस 3 जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 8, सही है, ग्रेट। ठीक है, मैं साथ में पैरेलल इधर भी कुछ काम कर देता हूं, तो ये माइनस 3 राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 बिकम्स माइनस 2, ठीक है। नाउ इफ आई लुक एट दिस टू सिचुएशंस, ठीक है, आई नो दैट मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो दिस इज पुटिंग मी इन अ सिचुएशन दैट सेज नॉट पॉसिबल, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आई कैन सिंपली से क्रॉस, काट दो भैया इसको, ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू माइनस कैसे हो सकती है, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट एवर वी आर एज्यूमिंग हियर कि ये माइनस 5 है वो सही नहीं है, ठीक है। चलो ग्रेट, अब यहां पे आ जाते हैं, अब इसी से आगे बढ़ते रहना है, मॉडुलस में ये मॉडुलस अब हटाऊंगा, ठीक है। सो मुझे यहां पे करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज प्लस और माइनस 8, ठीक है, बराबर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लस और माइनस 8, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज प्लस 8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 दैट इज 10, यहां पे करूंगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इधर जाएगा माइनस 8 प्लस 2 इज माइनस 6, माइनस 6 वंस अगेन नॉट पॉसिबल, मॉडुलस की वैल्यू माइनस 6 नॉट पॉसिबल इसलिए काट देते हैं उसको, ठीक है ना। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, अभी हो गया आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 10 या x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10, सो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन विच इज x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू माइनस 9, सही है, समझ आया दोस्तों कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और किस तरीके से कौन सी चीज आपको एक्सेप्ट करनी है, कौन सी चीज आपको रिजेक्ट करनी है, क्यों रिजेक्ट करनी है, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर, पक्का, चलो बढ़िया, ठीक है। उसी तरीके से आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज इसको सॉल्व करना, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, इसका आंसर आने वाला है, लेट मी राइट डाउन फॉर यू, द आंसर टू दिस इज 10 माइनस 6 8 माइनस 4 एंड 2, इतने आंसर आने वाले हैं इसके भैया, टोटल मिला जुलाकर 5 आंसर आने वाले हैं, ये सुनो, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आगे वाले क्वेश्चन में इन्होंने मुझे पूछा था सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। अब मेरे पास इंटीग्रल वैल्यूज क्या बनी, x इक्वल टू 11, x इक्वल्स टू माइनस 9, इन्होंने बोला नॉन नेगेटिव चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, और उन सबका सम चाहिए, सो नॉन नेगेटिव मेरे पास एक ही है 11, तो इस सवाल का आंसर क्या है, इस सवाल का आंसर है 11, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो आप यहां पे x की वैल्यू ढूंढने का बोला है प्लीज, तो यहां पे सिर्फ x की वैल्यू ढूंढिएगा, ठीक है। चलो ग्रेट, बड़ा मजेदार सा सवाल आपके सामने आया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी क्या होगा। नाउ आई नो दैट माई मॉड्यूलस कैन नॉट बी लेस देन 0, सो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो मैं बेटर वे लिखूं इसको, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, सो आई हैव टू कन्वर्ट दैट इक्वल टू 0, सिंपल है ना, इसको 0 कर दूंगा मैं, लेस देन तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। चलो ग्रेट,
सो मॉड्यूलस हटा दूंगा. सो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई एम राइटिंग दिस एज प्लस और माइनस जीरो. यू अंडरस्टैंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस और माइनस जीरो. इट इज जीरो. जीरो इज नीदर प्लस नीदर नेगेटिव. सो ये कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी की मॉड्यूलस हटाया था इसकी वजह से मैंने इसको लिखा. सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री. ठीक है. सो अब इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस थ्री इज प्लस और माइनस थ्री. सो x इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स और x इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. या तो x की वैल्यू सिक्स है या तो x की वैल्यू जीरो है. देन दे आर आस्किंग नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस गिवन इनइक्वालिटी. आंसर टू दैट इज टू. क्लियर है, पक्का? चलो बढ़िया. अगला अब आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, विथ मॉड्यूलस इन इट. ठीक है, बड़ा मजेदार है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक विथ मॉड्यूलस इन इट. ठीक है, ओके चलो समझते हैं. मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, कैसे लिखूं इसको? अब आई नो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. उसमें मुझे मॉड्यूलस से कोई लेना देना नहीं है. जो मॉड्यूलस के साथ लेना देना है वो यहां पे होगा. यहां से मेरे दो केसेस बनेंगे, या तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है या तो एक्स लेस देन जीरो है. सो आई राइट एक्स स्क्वायर. अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा मैं, और अगर लेस देन जीरो है तो ये मेरा हो जाएगा एक्स. मॉड्यूलस ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स. So, अगर ये माइनस होगा ना तो मैं आगे माइनस लगा दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ऐसा हो जाएगा. सही है, क्लियर है? वेरी गुड. नोट करना, बड़े काम की चीज चल रही है ये. ठीक है, ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो ये मिलेगा अपने को एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. सो यू गेट एक्स इक्वल्स टू टू और x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू माइनस टू x इक्वल्स टू माइनस वन. सिंपल है, यस नो? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोला है कितने होंगे, दो इधर टोटल फोर सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशंस आए, x की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी दैट इज फोर. आंसर इज फोर वैल्यूज. इजी ना? चलो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बड़ा मजेदार सा सवाल आपके लिए बना है, बड़ा मजेदार सा सवाल है आपके लिए. इसको ध्यान देना. ठीक है ना, इसको अच्छे से ध्यान देना. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वंडरफुल स्टफ. ठीक है, हाँ, हालांकि मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे दूं इसके साथ साथ. चलो एक दे दीजिए मुझे. ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल ध्यान से. मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. क्वेश्चन नंबर टू है ना, गलती मत कर देना इसके अंदर, बहुत जानकारी के साथ इंफॉर्मेशन डाली है. ठीक है, आपको बताना है इसका सॉल्यूशन. 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू जीरो. प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आपका जो भी आंसर है वो. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड. ठीक है, तो ये होमवर्क कर लेते हैं. ठीक है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क करें. नहीं नहीं चलो कर देते एक बार, है ना? ठीक है, चलो सॉल्यूशन. ऐसा थोड़ी परेशानी थोड़ी करेंगे हम आपको, ध्यान दे दीजिए. मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो, सेम की सेम बात है. तो इसको लिख देंगे अपन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये है मॉड्यूलस. सो इसको दो केसेस लिखेंगे, या तो प्लस है या तो माइनस में है. ठीक है, दो केसेस हो गए, यहां से दो केसेस चल रहा है. इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, प्लस फोर माइनस फोर कट गया. ठीक है, माइनस फोर एक्स प्लस एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो. सो यू गेट एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो यहां पर एक्स की वैल्यू है या तो जीरो या तो एक्स की वैल्यू है थ्री. दोस्तों यहां पर जब हमने ये लिखा था तो हमारा पहला एजम्पशन था दैट x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये हमारा एजम्पशन था, मतलब x की वैल्यू दो या दो से बड़ी है, विच मीन्स आई कैन नॉट टेक
x इक्वल टू जीरो बिकॉज मैंने पहला ही assumption x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू से चालू किया था, ठीक है ना. सो देयरफॉर दिस इज एक्सेप्टेबल. अब यहां पे केस क्या है मेरे पास, x माइनस टू इज लेस देन जीरो, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन टू. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, ये माइनस टू है, इज इक्वल टू जीरो, टू टू चला गया. ठीक है, यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल्स टू वन. नाउ व्हाट वाज द कंडीशन आई हैड, आई हैड अ कंडीशन कॉल्ड एक्स इज लेस देन टू, एक्स की वैल्यू दो से छोटी है. अब आप देखिए ये केसेस में ये है एक्स इक्वल टू फोर जो दो से छोटा नहीं है, आई कांट टेक. ठीक है, सो दिस इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, सो सम ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ द इक्वेशन वुड बी थ्री एंड वन है, सो दैट इज थ्री प्लस वन फोर, तो इसका आंसर होगा फोर. क्लियर है, चलो बढ़िया. अगला सवाल देखते हैं. इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कॉल 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, चलो देखते हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली है ना, मैं अगर देखूं कि मुझे पता था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट c बाई a, इन अवर केस है ना, आपको याद होगा ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के अंदर है ना, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए तो वो मिलेगा क्या, फाइव बाई नाइन होना चाहिए. ये सुनो बराबर, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे नाइन है, ये होना चाहिए. पर यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज मॉडुलस, सो देर आर एग्जैक्टली है ना, देर आर यू कैन से नॉट वन इक्वेशन बट देर आर टू इक्वेशन प्रेजेंटेड हियर. मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5 बाई नाइन अगर मैं मॉडुलस हटा दू, मतलब मॉडुलस को रखता हूं तो. पर क्योंकि ये एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन है, नोट करना क्या इक्वेशन है. पहला इक्वेशन इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x square minus 18x plus 5 is equal to zero. ये दूसरा इक्वेशन है इसका 9x square plus 18x when x is less than zero plus 5 equal to zero. So यहां पे रूट दो निकलेंगे और उसका प्रोडक्ट होगा 5 बाई नाइन. यहां पे भी दो रूट्स निकलेंगे, उनका प्रोडक्ट होगा 5 बाई नाइन. 5 बाई नाइन मैं क्विकली कैसे कर पा रहा हूं, c बाई ए है मेरे पास, यस और नो, c बाई ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 25 बाई 81 इज द आंसर. सही है सर, ये थोड़ा सा तेज हो गया. ठीक है, कैन यू हेल्प अस विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग आउट रूट्स, रूट्स के तरीके से बताइए, है ना, तो हम थोड़ा इसको समझे कि कैसे करें इसको. सही है, चलो ग्रेट. ठीक है, लेट मी डू इट. सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इक्वेशन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो इक्वेशन बन जाएगा 9x square minus 18x plus 5 equal to 0. 9 5 जा 45, 45 ऐसे लाना है ताकि प्लस करके 18 आ जाए, विच इज 15 थ्रीजा. 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. सो देयरफॉर वी आर गेटिंग 3x माइनस 5 और कॉमन निकलेगा आपका माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो. सो x इज इक्वल टू 5 बाई 3, x इज इक्वल टू 1 बाई 3. दोनों एक्सेप्टेबल है, हाँ जी दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है. अगला केस है x लेस देन जीरो, सो इस केस में इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18x. नोट करना दोनों में यहीं पे चेंज है मेजर, ठीक है ना, चलो बढ़िया. सो दिस बिकम्स 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर दिस इज 3x प्लस 5 एंड दिस इज 3x प्लस 1 equal to 0, so therefore x is equal to minus 5 by 3 and this is x is equal to minus 1 by 3, inka multiplication karenge, so we get you can say 5 by 3 into 1 by 3 into minus 5 by 3 into minus 1 by 3, so this becomes
minus, sorry, plus 25 by 81. Perfect. मैंने जो तरीके से आपके सामने किया वो तरीका भी मस्त है, ठीक है ना, वो फास्ट है, वैसे ही करना चाहिए आपको आइडियली. क्लियर है? चलो ग्रेट, ठीक है. ये अब होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना, दो मैंने आपके लिए करे ना, अब आप मेरे लिए करोगे. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना, जो जो मतलब जनरली एज अ स्टूडेंट टीचर के बीच में जो रिलेशन की बात है उसमें ऐसा ही होता है ना कि टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट अपग्रेड करे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इन सब चीज़ों से. प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, ठीक है. अब हम चलते हैं थोड़ा जनरलाइजेशन सीखने के लिए. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स का क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि इसको हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स इफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा कर देंगे. और अगर जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो गया तो हम आगे लिख देंगे माइनस ऑफ दिस, जो अभी तक हम करते आ रहे थे. ये सुनो, अभी तक हम करते आ रहे थे, ये सुनो, ठीक है. तो जनरली हम कैसे करेंगे इसको, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू दिया है, ठीक है. इसको हम वो जो वीवी कर्व मेथड सीखे थे ना अभी तक इनइक्वालिटीज में, याद है आपको, ठीक है. बिल्कुल दोस्तों, अभी तक हम आपके लिए 6 मॉड्यूल बना चुके हैं, 6 तगड़े वीडियो बना चुके हैं, उनके अंदर हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आए. प्लीज उसको फॉलो करिएगा और उसी को मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करूंगा. मैं क्या करूंगा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा. मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू दिया है तो मैं एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो करूंगा, सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू. सो इफ आई एम एट टू के राइट हैंड साइड पे जाऊंगा आई विल गेट पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, आई विल गेट नेगेटिव वैल्यूज हियर, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स दिस विल बी एक्स माइनस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इफ एक्स इज लेस देन टू. क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है, वैसा ही है ना जो हमने अभी आपके सामने कर दिया, ठीक है. चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. And let's do this. How do we write this? So we write down this as, this is nothing but modulus of x minus 2 into x plus 1. ठीक है? Okay. चलो बढ़िया. अब हम यहां से generalization करेंगे. हमें पता है कि यहां पे इसके critical point क्या आएगा. x minus 2 equal to 0. So that means 2. x plus 1 is equal to 0. So this is minus 1. If I take value above 2, that will become positive. सही है? Is that very clear? चलो बढ़िया, ठीक है. If I take minus 1 और 2 के बीच में, ठीक है, then this will be negative. बराबर है? And minus 1 के नीचे करूंगा, so this will become positive. सही है? मतलब इसके तीन केसेस बनेंगे. क्या केसेस बनेंगे? If x is less than, है ना, if x is less than minus 1, मैंने सही करा? नहीं 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 भैया, रुको 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 रुको, this is minus 1, this is plus 1, so x is less than or equal to 1, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, so this is positive, so I have to write as it is, ठीक है, बराबर है. अगर 1 is less than x less than or equal to 2, अगर ऐसा कर दिया तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ, क्योंकि वो नेगेटिव है. और अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है देन दिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना. इसके तीन केसेस बने दोस्तों. आप यहां से भी लिख सकते थे ऐसा कि इसके दो केसेस पॉसिबल है. वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अदर वुड बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये सुनो, ठीक है. तो मैंने उसको बहुत बेहतरीन वे में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है. तो वो आपके लिए हमेशा बहुत अच्छा तरीका होगा. जो मैं आपके सामने तरीका कर रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू अ वेरी गुड क्लैरिटी, राइट वे ऑफ रीचिंग टू द सॉल्यूशन, ठीक है. चलो बढ़िया, अब इसको हम देखते हैं. मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ठीक है. अब हमने सीखा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स कब होगी, ठीक है, इफ
इट इज x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, सही है ना, बराबर है, ठीक है. विच इन अदर वे, इसका यह मतलब हो गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, तभी ऐसा होगा, ये सुनो, ठीक है. तो यहां पे इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये मॉड्यूलस है, उसकी वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती. जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, सो यू कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, तभी यह पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, बराबर है, ओके. अच्छा सर, कैन आई टेक इट इज टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, कैन आई टेक दिस इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू जीरो. अब आप यह समझ सकते हैं कि यह वेरिएबल है, ठीक है ना, यह वेरिएबल है. देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यह नेगेटिव हो जाए, ठीक है, समझते इस बात को वापस. चलो लेट अस से इफ दिस इज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये पॉजिटिव है, तो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया. दूसरा केस लेता हूं मैं कि ये नेगेटिव है, सो दैट मींस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ऐसे हो गया, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि ये और ये है ना, ये और ये, मतलब पॉजिटिव है तो ऐसा हो रहा है, ये नेगेटिव है तो ऐसा हो रहा है, ठीक है. अब ये तो हर केस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा, है ना, ये तो हर केस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है ना, बराबर है. पर यहां पे ऐसा नहीं है, बराबर है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज बेटर वे विल बी कंसिडरिंग दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ठीक है, नेगेटिव होगा तो कब होगा, जब x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसको हम मान लेंगे लेस देन और इक्वल टू जीरो है. फिर इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी गेट x प्लस 5, दिस इज x माइनस 4, मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है. सो अब हम यहां पे डालेंगे x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू माइनस 5 है, 4 के ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बीच में ये नेगेटिव होगा और माइनस 5 के नीचे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. सो दैट मीन्स व्हाट डू आई राइट, आई राइट इन अ वेरी सिंपल वे, है ना, आई राइट इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है. मुझे चाहिए ये नेगेटिव, सो ये नेगेटिव कहां पर होगा, सो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 5, 4, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव चाहिए, ठीक है, ये मुझे नेगेटिव चाहिए. इज दैट कंफर्टेबल, चलो बढ़िया, मस्त चीज है. अगला सवाल सॉल्व करते हैं आपके सामने. मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, कैसे करेंगे इसको. सो वी विल अप्लाई द क्रिटिकल पॉइंट मेथड. क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 को हमने इक्वल टू 0 मान लिया, सो वी गॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है ना. तो व्हाट डू वी गेट, ये रहा मेरा नंबर लाइन, ये मेरा माइनस 2 है, माइनस 2 के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, बराबर है. सो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव होगा और इसके नीचे ये नेगेटिव होगा. तो केस नंबर 1, एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दैट मींस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स. दूसरा केस होगा एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, सो उस केस में ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है. ये दो केसेस चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, माइनस 2 इधर जाएगा, ठीक है, दिस बिकम्स 3x, 2 इधर जाएगा, दिस बिकम्स 4, एक्स इज इक्वल टू 4/3. यहां पे सॉल्व करेंगे, वी गेट माइनस एक्स माइनस 2, 6 माइनस 2x, माइनस 2x इधर आएगा, तो प्लस 2x, प्लस 2x माइनस x इज x, माइनस 2 इधर जाएगा, सो वी आर गोइंग टू गेट एस x इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है. सो ये क्या बोल रहा था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, क्या ये ग्रेटर देन माइनस 2 है, हाँ जी एक्सेप्टेबल है. ये क्या बोला, x इज लेस देन माइनस 2, क्या ये लेस देन माइनस 2 है, हाँ जी ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, समझ आया दोस्तों, ठीक है. सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू बनेगी, ठीक है, दैट इज
सॉरी, ये गलती यहाँ पे हो रही है, ठीक है, 3 × 2 = 6, दैट इज प्लस 6 माइनस 2x, सो देयरफॉर ये प्लस 2 उधर जाएगा, सो देयरफॉर इट बिकम्स 8. नाउ वी अज्यूम्ड x इज लेस देन माइनस 2, बट वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 8, सो दिस इज नॉट राइट. सही बात है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा? ठीक है, आंसर बनने वाला है x इज इक्वल टू 4/3. क्लियर है? पक्का? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. वापस सेम स्टफ, क्रिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं. सो वी से x यू कैन से इज इक्वल टू 1, है ना, या तो दो केसेस मान लेते हैं यहां से. वन इज x माइनस 1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो केस नंबर 1, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. केस नंबर 2, x माइनस 1 इज लेस देन 0, सो देयरफॉर x इज लेस देन 1. ठीक है, अगर ये केस होगा तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 2x - 3. ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज x लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस 2, x इज इक्वल टू 2. क्या वो ग्रेटर देन 1 के ऊपर है? यस. ठीक है, x लेस देन 1 गिना हमने, तो ये लिख देंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x - 3. ये पूरी केस यहां पे लिख देंगे हम. ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? माइनस x प्लस 1 2x - 3. ठीक है, सो माइनस x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, माइनस 3 लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 4/3. x हैज टू बी लेस देन 1, बट वी आर गेटिंग अ वैल्यू एज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, सो दैट इज ओनली वन वैल्यू पॉसिबल, सो द आंसर टू दिस इज x इज इक्वल टू 2. क्या बोलेंगे इसको? x इज इक्वल टू 2. क्लियर है? चलो बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं, बड़ा मजेदार सा सवाल है. सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होंगे? ठीक है, देखो इसको करने का बड़ा मस्त सा तरीका है. ठीक है, इसको समझिए, बड़ा अच्छा तरीका है. सबसे पहले ये आपका जो क्वाड्रेटिक है ना, उसको आप सॉल्व कर लीजिए. 15 है, 15 इज 5 × 3 = 15, सो ये लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सही है ना? चलो बढ़िया. ठीक है, नाउ इन अ क्रिटिकल पाथ मेथड वी आर गेटिंग, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट मेथड वी आर गेटिंग फ्यू आइडियाज. समझिए, x इक्वल टू 3, 5 के ऊपर होगा पॉजिटिव, 5 और 3 के बीच में होगा नेगेटिव, 3 के नीचे होगा पॉजिटिव. सही है, सो लेट मी टेक अ केस नंबर 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, दिस इज पॉजिटिव. ठीक है, सो मैं लिख दूंगा इसको x माइनस 5 वैसा का वैसा, x माइनस 3 वैसा का वैसा. ठीक है, माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 प्लस 7 इज 22 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो बढ़िया. अब इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, इसके कुछ रूट निकलेंगे. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले तरीके से. ठीक है, सो दिस इज मैं यहाँ साइड पे कर दूँ, बी स्क्वायर इज 100 माइनस 4, 22 इज 100 माइनस 88, दैट मेक्स इट 212. ठीक है, सो देयरफॉर यू कैन से ये हो जाएगा माइनस बी, विच इज माइनस बी इज 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2, सो दिस इज 2 कॉमन है, 5 प्लस और माइनस रूट 3. ओके, सो वी गेट यू कैन से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3, दैट इज केस नंबर 1. सही है, ठीक है. अगला केस, क्या केस है? 3 और 5 के बीच में है तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा. क्या नेगेटिव हो जाएगा? ये पूरा इक्वेशन. सो आई राइट माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है ना, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0,
समझना दोस्तों, ठीक है समझना, यहां पे क्या किया था, पॉजिटिव था तो मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया था, यहां पे ये नेगेटिव हो गया है तो मैंने आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। सो व्हाट डू आई गेट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फिफ्टीन माइनस टू एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर दिस इज माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज एक्स इक्वल्स टू फोर और एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा मुझे एक्स की वैल्यू मेरी लेस देन और इक्वल टू थ्री है, ठीक है, एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू थ्री होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा फाइव प्लस थ्री आया ना वो तो थ्री से बहुत बड़ा है, नॉट एक्सेप्टेबल। फाइव माइनस रूट थ्री, रूट थ्री इज 1.73, 5 माइनस 1.73 इज ऑल्सो मोर देन 3, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलरली ये 3 और 5 के बीच में है, ठीक है, सो आई कैन टेक 4 बट आई कैन टेक 2 बिकॉज 2 इज नॉट बिटवीन दिस, सो ये मेरे हाथ से गया। समझ आ रहा है ना आपको, चलो अच्छी बात है, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगला केस आपका बनेगा, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव है विच इज एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, जहां पर यह पॉजिटिव है विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना, है ना, कैसे सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो। सो आई गेट एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस रूट थ्री और एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस रूट थ्री। नाउ दिस इज मोर देन फाइव, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज लेस देन फाइव, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो वॉट इज अ क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी वॉट, एक्सेप्टेबल कौन सा है, फाइव प्लस रूट थ्री एंड टू विच इज फाइव प्लस टू, यू कैन से फाइव प्लस टू, सर नो 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 नो, टू इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सट्रीमली सॉरी, टू इज नॉट एक्सेप्टेबल, फाइव प्लस रूट थ्री एंड फोर, फाइव प्लस फोर नाइन प्लस रूट थ्री इज द आंसर, सही है ना, बड़ा मस्त है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ग्रेट। चलो इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तरीका समझ में आ गया ना, फास्ट करने का तरीका, चलो ग्रेट, वापस इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दिस बिकम्स एक्स प्लस थ्री, दिस बिकम्स एक्स प्लस वन मॉडुलस प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। वापस आपका क्रिटिकल पॉइंट वाला तरीका, ठीक है, दिस इज माइनस थ्री, दिस इज माइनस वन, माइनस वन के ऊपर पॉजिटिव, सिंपल है, इसके बीच में नेगेटिव और इसके इधर पॉजिटिव, सो वी टेक एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री, ये केस ले लेते हैं, उस समय पे पॉजिटिव है, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू माइनस टू माइनस थ्री से बड़ी है, हमें माइनस थ्री से छोटा चाहिए, तो यह पार्ट नहीं लेंगे, दिस इज एक्सेप्टेबल, सो दैट्स केस नंबर वन। केस नंबर टू, इन दोनों के बीच में, सो दैट इज माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। उस केस में यह नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला वापस सही, वही वही का वही तरीका है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे अपन, तो बी स्क्वायर इज टू का स्क्वायर इज फोर माइनस फोर ए सी फोर टू जाए एट प्लस एट दैट इज माइनस टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वेल्व बाई टू, ठीक है, टू टू कॉमन निकल जाएगा, सो वी गेट माइनस वन प्लस और माइनस रूट थ्री बाई दैट्स इट बाई टू कट गया इसका, ठीक है। सो ये क्विकली आना चाहिए भाई, हाँ ठीक है, ये अटकने नहीं चाहिए आपके। तो इसके वैल्यूज क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री, अगला है माइनस वन माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब वैल्यू मुझे क्या चाहिए, माइनस वन और माइनस थ्री के बीच में चाहिए, ठीक है, ये कितना है, माइनस वन प्लस रूट ऑफ थ्री इज 1.7, रूट ऑफ थ्री इज वन से ऊपर है, ठीक है, मुझे चाहिए था नेगेटिव, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
यह है एक्सेप्टेबल सिनारियो, सही है। चलो बढ़िया, अगला केस क्या बनेगा मेरा? अगला केस है कि x इज ग्रेटर देन माइनस वन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसने बोला है कि माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो अवर एक्सेप्टेबल रूट्स आर एक्स इक्वल टू माइनस फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री, सही है ना, अच्छी बात है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, चलिए ग्रेट। एक और देख लेते हैं, है ना, आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस आइडियाज, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ये सुनो। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, है ना, लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस है, x माइनस फाइव सो पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो x इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन बाई फोर, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फोर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलो ग्रेट, सो दिस बिकम्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स और ये सिक्सटीन और ट्वेंटी सेवन सिक्स फोर्टी थ्री, यस माइनस फोर्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा कोई, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का तरीका, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है, कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लगा देते, सो विच इज माइनस ट्वेल्व प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर माइनस 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 प्लस फोर इंटू फोर इंटू फोर्टी थ्री बाई टू ए टू इंटू फोर, सो दिस इज माइनस ट्वेल्व प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर प्लस 16 इंटू फोर्टी थ्री, पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब, 43। हाँ पर एक काम करते हैं ना, हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, दिस इज 16 इंटू नाइन प्लस 16 इंटू फोर्टी थ्री अपॉन टू इंटू फोर, फोर फोर कॉमन निकल गया, सो माइनस ट्वेल्व, 16 को बाहर निकाल दिया मैंने दोनों में से, तो ये हो गया हमारा 4 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 43, 9 प्लस 43 होगा 52, यस 52 बाई 2 इंटू 4, 4 चला गया माइनस 3 प्लस और माइनस 2 रूट 13 बाई 2, ठीक है ना। चलो बढ़िया, अब मेरी वैल्यू क्या है समझिए, यहां पे मेरे पास दो रूट आए, एक्स की वैल्यू है माइनस 3 माइनस 2 रूट 13 बाई 2, ठीक है, एक है माइनस थ्री प्लस टू रूट थर्टीन बाई टू, मेरी वैल्यू एक्स ग्रेटर देन फाइव चाहिए, ये तो नेगेटिव है, ये नहीं चलेगा। अब लेट्स सी व्हाट इज रूट थर्टीन, रूट थर्टीन विल बी, है ना, किसके बीच में, दो स्क्वायर है नाइन और सिक्सटीन, उसके बीच में, नाइन इज थ्री का स्क्वायर और सिक्सटीन इज फोर का स्क्वायर, तो ये कुछ तीन और चार के बीच में है, सही है, ओके। सो अगर मैं इसको चार भी ले लेता हूं, ठीक है ना, इसका रूट अगर चार, फोर टू जा एट, ठीक है, एट माइनस थ्री, है ना, मतलब मैं तो थर्टीन भी नहीं गिना, मैंने उसको सिक्सटीन गिना जस्ट टू गेट अ वैल्यू बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज थर्टीन, ठीक है ना, मुझे थर्टीन पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थर्टीन को मान लेता हूं कोई बड़ा ही नंबर विच इज सिक्सटीन विच इज फोर, उसका स्क्वायर रूट करा तो फोर हो गया, फोर टू जा एट, एट माइनस फाइव इज एट माइनस थ्री इज फाइव, फाइव बाई टू इज टू पॉइंट फाइव, तो इसकी वैल्यू तो टू पॉइंट फाइव से भी छोटी है, हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यू पांच से बड़ी, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। सो दैट मीन्स एक्स माइनस फाइव है ना ग्रेटर देन जीरो पे मेरा कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू नाउ, आई विल डू द नेक्स्ट केस, एक्स माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, सो देयरफॉर एक्स इज लेस देन फाइव, ठीक है। चलो अगर एक्स लेस देन फाइव है तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन बाई फोर, सही है, बढ़िया। अब काम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फोर इक्वल टू जीरो, सो दिस बिकम्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस
4x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 24, 24 माइनस 27 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4 3 जा 12, ओके ग्रेट, सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स दिस इज 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 2, सही है, ओके, सो x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एक्सेप्टेबल होगा, यस, क्योंकि x लेस देन 5 है, x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्सेप्टेबल है, हाँ, x लेस देन 5 है, सो व्हाट आर द रूट्स पॉसिबल, दो रूट्स है, नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 2, क्लियर है, चलो बढ़िया, मस्त चीज है, ठीक है ना, इजी है, नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 2, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं चल रही है इसके अंदर, क्लियर है, चलो ग्रेट 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 फास्ट, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, कुछ गलती हो गई है मेरे से, 5 प्लस मॉडुलस ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, चलो बढ़िया, सो व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन डू इज वन वेरी सिंपल स्टफ, ठीक है, टू सॉल्व इट, यू कैन एज्यूम 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, आप ऐसा एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन बन जाता है 5 प्लस मॉडुलस ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू t इंटू t माइनस 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अब मेरे पास दो केस बनेंगे, वन या तो ये पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है, विच मीन्स एक केस है t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और t इज लेस देन 1, t का मतलब है 2 टू द पावर x इज लेस देन 1 और यहां t का मतलब है 2 टू द पावर x, समझो, है ना, ग्रेट, तो ठीक है, मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूं, सो आई गेट x, सॉरी 5 इज इक्वल टू t माइनस 1 पॉजिटिव है t स्क्वायर माइनस 2t, सो देयरफॉर, ठीक है, ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 3t, 5 माइनस 1 इज 4 इधर जाएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सही है, चलो बढ़िया, सो दिस बिकम्स t माइनस 4 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो t की वैल्यू है या तो 4 है या तो t की वैल्यू है माइनस 1, हमें क्या चाहिए था, t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए थी, ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, t की वैल्यू क्या हो गई 4, नाउ व्हाट इज t, t इन अवर केस इज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, वी गेट 1 वैल्यू, अगला केस देखते हैं, t इज लेस देन 1, सो दैट मींस ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t, सो दिस इज 5 माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t, सो देयरफॉर दिस इज t स्क्वायर माइनस t, ये प्लस 6 है इधर जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर दिस इज t माइनस 3 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर t की वैल्यू या तो 3 है या तो t की वैल्यू क्या है माइनस 2, नाउ आई नो माई टी इज लेस देन 1, सो आई कांट टेक टी इज इक्वल टू 3, आई हैव टू टेक टी इज इक्वल टू माइनस 2, सो दैट मीन्स मेरा एक्सेप्टेबल आंसर क्या है, टी इज इक्वल टू माइनस 2, बट वॉट इज टी, है ना, वॉट इज टी, ये समझिए दोस्तों, है ना, वॉट इज टी इन दिस सिनारियो, है ना, अब ये समझिए 2 की पावर x, अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव हो सकता है, 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव हो सकता है, 2 तो पॉजिटिव नंबर है, उसकी कोई भी पावर ले लोगे आप, नेगेटिव पावर भी लोगे ना, दैट इज 2 की पावर माइनस 2, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2 विच इज 1 अपॉन 4, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली ऐसा है 0 लेस देन t लेस देन 1, ठीक है, अब मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू माइनस 2 नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, t इक्वल टू 3 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए और t इक्वल टू माइनस 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है, एकमात्र आंसर क्या है t इक्वल टू 4, सो एकमात्र आंसर क्या है x इक्वल टू 2, ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट फॉर दिस इज 1,
कितने रूट्स है इसके, एक, ज्यादा नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर, समझ आ रहा है आपको? चलो बढ़िया, ठीक है, ग्रेट. सो दोस्तों, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस मॉड्यूल, आपको ये पसंद आया होगा. ये मॉड्यूल हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बट यस, डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रोटैलेंट. हैव अ ग्रेट डे.